नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको घर में बना काढ़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यह खांसी जुखाम बलगम हो जाती है, यह बिल्कुल घरेलू काढ़ा है, ये बहुत ही कारगर है। ये इसके बहुत फायदे हैं पीने से, और इसको लेने से हमें बाजार की दवा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि काढ़ा आपको जरूर पीना चाहिए, यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है। ये काढ़ा आप लोग जरूर पिए दिन में एक बार। इसको बनाने का तरीका शुरू करते हैं, चलिए काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक भगोना लिया है, एक भगोने में मैंने कम से कम 1 किलो पानी चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी हमारा यहाँ गर्म हो चुका है। अब इसमें मुझे जो मसाले डालने, मैं दिखा देती हूँ काढ़े के लिए। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच अजवाइन लिया है, और 4 छोटी इलायची ली है, और छोटा आधा चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है दरदरा, और आधा छोटा चम्मच यहाँ मैंने जीरा लिया है, और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है, और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक को कूट लिया था, या कद्दूकस कर सकते हैं, और मैंने आधा छोटा चम्मच यहाँ हल्दी पाउडर लिया है, और 5-6 लौंग लिए हैं। अगर आपको हल्दी का पाउडर है, कच्ची हल्दी मिल जाती है तो बहुत अच्छा। कच्ची हल्दी हमारी इस तरह से होती है, इसके डालने से बहुत ही हमें फायदा करती है ये हल्दी। और यहाँ मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते भी लिए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पानी उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें दालचीनी के टुकड़े डाल दूंगी। यहाँ मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं जीरा डाल दूंगी जो मैंने आपको बताया है, आधा चम्मच, और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने अजवाइन लिए, इसे भी हमें डाल देना है, और 4 इलायची लिए छोटी वाली, इन्हें भी हमें डाल देना है, और यहाँ लौंग है 3-4, इसे भी हमें डाल देना है, काली मिर्च को भी हमें डाल देना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से काली मिर्च कम कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट कम अच्छा लगता है तो। और यहाँ मैंने आधा टीस्पून काला नमक लिया, इसे भी हम डाल देंगे। इन सब चीज को हमें अच्छे से उबालना है। और यहाँ मैंने अदरक को कद्दूकस कर रखा है, ये 1 छोटा चम्मच, इसे भी हमें डाल देना है। और थोड़ी सी हमें हल्दी ऐसे डालिए, थोड़ी मैं कच्ची हल्दी डालूंगी, थोड़ी मैं कच्ची हल्दी कस के डालूंगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस तरह से अदरक की तरह ही बाजार में मिलती है, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं। और यह मैंने तुलसा जी लिए हैं, इसमें थोड़े से बीज भी हैं, और ये इसमें श्यामा तुलसा जी, हरी तुलसा जी, अगर आपके पास तुलसा जी नहीं हो सूखी तुलसा जी के पत्ते भी डाल सकते हैं, इन सबको डाल देना है। और इसे हमें उबाल लेना है जब तक ये बिल्कुल आधा ना हो जाए, जब तक ये 500 ग्राम हो जाए जब तक हमें इसे उबाल लेना है। मैंने इसमें जो लौंग डाली है, हमें जब जुखाम हो जाता है, सांस में दुर्गंध आने लगती है या बदबू आने लगती है, तो गले में खराश भी होती है, इन सब चीजों को वो ठीक करता है। काली मिर्च हमारी जुखाम और कफ को खत्म करता है, हमारी भूख को बढ़ाता है, जो हमें देखकर खाने का मन नहीं करता। दालचीनी के डालने से गले का दर्द और छाती के दर्द में आराम देता है। और तुलसा जी, आप सभी को पता है ये एंटीबायोटिक होती है, जुखाम है, खांसी है, बुखार है, जो महसूस होता है इसको पीने से खत्म करता है। और अजवाइन, और मैंने यहाँ जीरा डाला है, ये हमारे खांसी जुखाम को आराम देता है, और अदरक भी हमारे खांसी जुखाम में आराम देता है। अदरक का रस हम शहद के साथ देते हैं तो ये बच्चों को बहुत जल्दी खांसी और जुखाम में आराम देता है। और हल्दी तो एंटीबायोटिक होती ही है, आप सबको पता है, दर्द है, चोट भरने में, जुखाम में, सभी चीजों में आराम देता है। हल्दी का दूध पीने से भी अंदर से जो हमारे दर्द होते हैं उनको सबको खत्म करता है। आप देख रहे होंगे मैंने उबाल लिया है, ये हमारा कम से कम 500 ग्राम पानी होने वाला है। आप देख सकते हैं काढ़े को उबलते हुए 15 मिनट से 20 मिनट हो चुके हैं, और हमारा काढ़ा आधा हो चुका है। आप देख सकते हैं निशान हमारा इतना था पानी का, अब ये बिल्कुल आधा हो चुका है। अब हमें गैस को बंद कर देना है, थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है इसे। मैं इसको फिर पीने का तरीका बताती हूँ, इसे हमें कैसे लेना है दिन में। अब मैंने जो ये काढ़ा उबाला था ये गुनगुना हो चुका है, अब इसे हमें छान लेना है। आप चाहें तो इसे गरम गरम चाय की तरह भी पी सकते हैं, और नहीं तो इसे गुनगुना भी पी सकते हैं। ठंडा बिल्कुल भी नहीं पीना है, ये फायदा नहीं करता ठंडा। इस तरह से मैंने इसको सारा छान लिया है। इस बच्चे हुए को आप मसाले को दोबारा यूज कर सकते हैं, चाय में भी ले सकते हैं, या थोड़े पानी डाल के हल्के से मसाले डाल के दोबारा यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे लेने का तरीका बताती हूँ, यहाँ मैंने आधे से कम लिया है। अब इसमें हमें शहद मिलाना है, यहाँ मैं 1 छोटा चम्मच शहद मिला रही हूँ। शहद आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी गर्म पानी में नहीं मिलाना है, बिल्कुल गुनगुने पानी में शहद का यूज करना है। कभी भी हमें तेज पानी में शहद को नहीं पीना चाहिए, ये नुकसान करता है।
इस तरह से हमें शहद मिलाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बच्चों में भी आप शहद मिला के दे सकते हैं। और यहाँ बड़ों को आपको दिन में 3 बार इतना देना है और बच्चों को अगर आप दे रहे हो तो ये मैंने आपको छोटा ग्लास दिखा रही हूँ, बच्चों के लिए जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं उनको सिर्फ इतना सा ही देना है। तो मैंने आपको क्वांटिटी दोनों बता दी है और देने का तरीका भी बता रही हूँ। आप सवेरे नाश्ते के बाद ले सकते हैं, दोपहर में लंच के बाद ले सकते हैं और रात को सोने से पहले लें, जिससे कि इस काढ़े को पीने से एक तो नींद बहुत अच्छी आती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है आजकल के वायरस में काढ़े को रोज पीना चाहिए, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जरूर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।